तो बाबा एक न्यूज बड़ी जबरदस्त मार्केट में घूम रही है, टहल रही है, उछल कूद कर रही है, गुलछर्रे उड़ा रही है। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा, बजरंगी भाईजान 2 आने वाली है और इसकी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। ये न्यूज बड़ी जबरदस्त मार्केट में घूम रही है, साथ में एक प्लस पॉइंट ये गूंज रहा है, मतलब चिपक के आ रहा है इसके साथ, कि सोने पे सुहागा जो कहते हैं ना, क्या भाई SS राजामौली डायरेक्ट करने वाले हैं क्या इसको? ये चीज जबरदस्त मार्केट में टहल रही है, घूम रही है, गुलछर्रे उड़ा रही है, तो क्या ये सारी चीजें सही है? अभी बात करते हैं, क्योंकि लोगों ने भर भर के वीडियो बना दिए और भाई साहब हमारा भी तो काम यही है, हम भी थोड़ा सा रिसर्च करके लाए हैं और ये चीज कितनी सही है कितनी नहीं आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। बजरंगी भाईजान ये मूवी जब 9 साल पहले आई थी, लोगों के होश उड़ चुके थे, क्योंकि वो एक सिनेरियो था, वो एक मूवी थी ऐसी जहाँ पर हिंदू मुस्लिम ये वाला हिसाब नहीं हुआ था, हिंदू मुस्लिम ये वाला हिसाब हुआ था, लोग एक साथ जुड़ के इसको देखे थे। वो जो दो गाने इसके बहुत ट्रेंडिंग पे चले थे, कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, जो हिंदू को बहुत पसंद आया था, और वो खुद बजरंगी भाईजान का वो टाइटल ट्रैक जय जय बजरंग बली, भाई साहब वो मुसलमानों को बहुत पसंद आया था, तो ये मूवी वो काम करके गई थी। और पाकिस्तान का एंगल पहली बार लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पसंद आया था, जिद जद्दोजहद सलमान खान यानी अपने बजरंगी भाईजान ने मुन्नी को पहुंचाने के लिए वो सारे हथकंडे अपनाए, जहां पर लॉजिक काम भी नहीं करता है, लेकिन लोगों ने क्या कहा कि लॉजिक का माँ का क्या बोला तूने? वही वही हटाओ साइड में, और मूवी भाई बहुत मस्त है, क्योंकि स्टोरी और एक्टिंग और सारी चीजें उसमें दमदार थी। और सलमान खान पहले ऐसे मूवी किया करते थे जिसमें भाई साहब बहुत ही स्टोरी का रोल प्ले हुआ करता था, लेकिन आजकल की जो मूवीज हैं अभी जो पिछले कुछ टाइम से आई हैं, भाई उनका तो क्या ही कहना, जहां पर स्टोरी का रोल प्ले तो ना के बराबर ही देखने को मिलता है, लेकिन बजरंगी भाईजान में बहुत जबरदस्त स्टोरी का रोल प्ले था वहां पर। तो बात अगर स्टोरी की हो रही है, कंटेंट की हो रही है, स्क्रिप्ट की हो रही है, तो भाई साहब बजरंगी भाईजान 2 की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है, बस नैरेट करना बाकी रह गया है किसको, भाईजान को। और अभी भाईजान व्यस्त हैं अपने सिकंदर मूवी के प्रोजेक्ट को लेकर, लेकिन उसके बाद इनके पास कोई फिलहाल कोई इतनी बड़ी अपडेट तो है नहीं। और जो स्क्रिप्ट तैयार हुई है बजरंगी भाईजान 2 की, वो है SS राजामौली के पप्पा यानी के विजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने पहली जो मूवी थी उसकी स्टोरी भी खुद राइट करी थी, या उनका भी बहुत बड़ा हाथ था उसमें, मुझे बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर उन्होंने इसकी स्क्रिप्टिंग पूरी तैयार कर ली है, बस नैरेट करना रह गया है, भाईजान को सुनाना बाकी रह गया है। आगे कब तय होगा ये मामला, जब उनको स्टोरी पसंद आएगी, कहानी पसंद आएगी तब। तो भाई साहब बात ये आ रही है कि अब ये मूवी को डायरेक्ट कौन करेगा, क्योंकि SS राजामौली के पप्पा ने तो अपना काम कर दिया, भाई साहब डायरेक्टर की बड़ी भूमिका है यहाँ पर। और डायरेक्टर जो अभी आ रहे हैं, दो तीन डायरेक्टर जो भर उभर के निकल के आए हैं, जैसे कि SS राजामौली, जिनको बहुत 100% की सियोरिटी वाला हिसाब किताब फैंस लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कि भाई साहब ये डेडलीस्ट कॉम्बो एक बार सेट हो जाए ना, तो मामला 2000 करोड़ कब पहुंचेगा किसी को कानों कान खबर नहीं होगी, बॉक्स ऑफिस कब फट जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्रैकिंग थिएटर सारा में, मतलब हर जगह तबाही तबाही देखने को मिलेगी, पैसा लोगों की जेब से इस हद तक बाहर निकल के आएगा जो लोग ना छुपा के रखे रखे थे, या फिर मैं अपना एक ओपिनियन रखूं कि यहाँ पर कौन हो सकता है, तो SS राजामौली बेस्ट चॉइस है, नंबर 1 पर देने। उसके बाद अगर वो वहाँ से बात नहीं भी सेट होती है, क्योंकि SS राजामौली बिजी हैं, SSMB 28 ऐसे कुछ नाम है, मतलब महेश बाबू के साथ जो मूवी आने वाली है, लेकिन उसके बाद उनके पास कोई प्रोजेक्ट है नहीं कोई बड़ा जिसपे वो काम शुरू कर चुके हैं करें, तो हो सकता है कि SS राजामौली भी हो सके, मतलब इनके साथ जुड़ जाएं। लेकिन अगर ये नहीं भी आती है तो संदीप रेड्डी वांगा एक फाइन चॉइस है, फाइन भाई संदीप रेड्डी वांगा इसके साथ जुड़ जाएगा तो मामला ना पूरा खरा खरा हो जाएगा, मजा आ जाएगा। तो आपका क्या ओपिनियन है, आप कौन से डायरेक्टर को इनके साथ जोड़ते देखना चाहेंगे, क्या SS राजामौली, क्या संदीप रेड्डी वांगा, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी बजरंगी भाईजान 2 के लिए कौन कितना वेट कर रहा है, क्योंकि वो मूवी लोगों ने कम से कम 3 से 4 बार तो देखी होगी, मैं अपना बताऊं भाई साहब मैं खुद 5 बार देख चुका हूं उस मूवी को, और श्योर श्योर इससे ऊपर कितनी बार देखा होगा आई डोंट नो, लेकिन भाई इस मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड, आप लोग कितने एक्साइटेड हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो उसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी ऐसे ही मिलते रहेंगे, जय हिंद।